कहा तुम कौन होते हो? मैंने कहा मैंने इससे शादी कर ली, झूठ कह दिया। अच्छा। बस मुख्तार बेगम उसे गालियाँ देती हुई चली गई और उस दिन के बाद से रानी अपनी असली माँ को बुला लिया, अपने बाप को बुला लिया और वो उसके साथ रहने लगी। मेरे करीबी चाहिए। अच्छा तो ये सिलसिला है। तो सुनिए, बड़ा झूठ इसलिए कि आजकल छोटा झूठ और खोटा पैसा चलता ही नहीं। ये बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो औरतें अपने चेहरों पर बड़े झूठ का पेंट पाउडर मलती हैं। माला अपनी जेब से फकीर है। हमें हूँ मनु नया इश्क की दास्तां मिलके दोहराएंगे प्यार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, सैयद कमाल एक खूबसूरत और पुरकशिश अदाकार जिन्हें पाकिस्तानी राज कपूर भी कहा जाता है। अदाकार कमाल इंतहाई खूबरू और पुरकशिश थे जो मशहूर भारतीय अदाकार राज कपूर से बहुत मुशाबहत रखते थे और कमाल की उनसे मुलाकातें और बेतकल्लफी भी थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अदाकार सैयद कमाल शाह और राज कपूर के माबैन भारत के एक होटल में होने वाला एक ऐसा वाकया बयान करेंगे जो ज़रूर आपके लिए एक बहुत बड़ी दिलचस्पी का बायस बनेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार कमाल को उर्दू अखबारात और फिल्मी जराइद में अक्सर पाकिस्तानी राज कपूर भी लिखा जाता था। अगर कभी इत्तफाक से दोनों मुल्कों के इन फनकारों की मुलाकात हो जाती तो उसकी खबर या किसी स्टोरी में उनकी शक्ल व सूरत का जिक्र जरूर किया जाता था। आज अदा किया जाता था और इसी मुनासबत से एक मशहूर किस्सा मुलाहजा कीजिए कि एक मर्तबा किसी फिल्म की शूटिंग के लिए राज कपूर भारत के किसी शहर के होटल में ठहरे हुए थे। भारत में उनके मद्दाहों की तादाद भी कुछ कम ना थी और वो अपने वक्त के मकबूल हीरो थे। मकामी लोगों और राज कपूर के मद्दाहों को होटल में उनकी मौजूदगी का इल्म हुआ तो वहां एक जुम्मे गफीर इकट्ठा हो गया। उनका इसरार था कि राज कपूर होटल की बालकोनी में आकर उन्हें अपना दीदार करवाएं। शोहरत और मकबूलियत भी अजीब शय है। फिल्म स्टार्स को अपने मद्दाहों का ख्याल रखना पड़ता है। राज कपूर की तबीयत उस वक्त कुछ नासाज थी, कुछ तबीयत उनकी ठीक नहीं थी तो सैयद कमाल उनके साथ थे तो राज कपूर ने सैयद कमाल को कहा कि वो बालकोनी में जाएं और लोगों को अपना दीदार कराएं। सैयद कमाल होटल की बालकोनी में पहुंचे और लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाया। लोगों ने उन्हें राज कपूर समझकर उनसे मोहब्बत जताई, नेक तमन्नाएं और अपनी खुशी का इजहार करते रहे और लोगों को एक लम्हे के लिए भी ये शक ना हुआ कि ये राज कपूर नहीं बल्कि कोई और है। इस मजमा में से कुछ लोगों ने राज कपूर से ऑटोग्राफ लेना चाहा, यानी कि सैयद कमाल शाह से ऑटोग्राफ लेना चाहा तो लोग होटल में दाखिल हो गए और अब इस्तकबालिया पर रश बढ़ने लगा। इंतजामिया की मुश्किल को देखते हुए राज कपूर ने कमाल से फिर दरख्वास्त की कि वो राज कपूर की तरफ से लोगों को ऑटोग्राफ दे दें। सैयद कमाल को यह भी आखिर उनकी बात माननी पड़ी और सैयद कमाल को यह भी करना पड़ा। उन्होंने ऑटोग्राफ बुक्स ली और उन्हें भरते चले गए और लोगों को ऑटोग्राफ देते रहे। यहां ऑटोग्राफ देने के दौरान भी किसी को शक ना हो सका कि ये असली राजकुमार हैं या कि उनके हम शक्ल सैयद कमाल। मशहूर है कि सैयद कमाल ने राज कपूर से कहा था कि आपकी वजह से मुझे आज मद्दाहों को ऑटोग्राफ देने और किस और मोहब्बत समेटने का ऐसा खूबसूरत तजर्बा हुआ है जबकि अभी मैं कुछ नहीं हूं।
इस पर राज कपूर ने कहा कि वो वक्त भी आएगा जब लोग सैयद कमाल से ऑटोग्राफ लेने जरूर आएंगे। उनकी ये पेश हुई दुरुस्त साबित हुई और सैयद कमाल ने पाकिस्तान में मकबूलियत और नाम मकाम हासिल किया। अदाकार कमाल ने फिल्मों में रुमानवी, अलमिया और मजाया किरदार अदा किए और मशहूर हुए। उन्होंने अपने दौर की मकबूल तरीन अदाकाराओं जेबा, दीबा, नीलो, शबनम, नशो और रानी के साथ कई फिल्में की। कमाल ने बतौर फिल्म साज भी सैनमा को फिल्में दी हैं। इनमें उर्दू और चंद पंजाबी जबान की फिल्में शामिल हैं जो सुपर हिट साबित हुई। फिल्मों से रिटायरमेंट के बाद वो टेलीविजन पर नजर आए और ड्रामों में अदाकारी के अलावा उनका बतौर मेजबान एक प्रोग्राम भी बहुत मकबूल हुआ। अदाकार सैयद कमाल 2009 में वफानी इस जहान फानी से कूच कर गए थे। उनका ताल्लुक मीरठ से था जहां वो 27 अप्रैल 1937 को पैदा हुए थे। उनका नाम सैयद कमाल शाह था। बतौर अदाकार कमाल ने क्याम पाकिस्तान से कबल मुंबई में बनने वाली फिल्म बागी सरदार में एक मुख्तसर किरदार निभाया था। तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आए और हिदायतकार शबाब करियानवी की फिल्म ठंडी सड़क में बतौर हीरो काम हासिल करके पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का आगाज कर दिया। कमाल एक मंझे हुए अदाकार ही नहीं फिल्म साज और हिदायतकार भी थे। अदाकारी के मैदान में वो अपने संजीदा और मजाया हर किस्म के किरदारों में फिल्म बीनों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे। उनकी 80 से ज्यादा फिल्मों में उर्दू फिल्मों के अलावा चंद पंजाबी और एक पश्तो फिल्म भी शामिल है। सैयद कमाल की मशहूर फिल्मों में जमाना क्या कहेगा, आशियाना, ऐसा भी होता है, एक दिल दो दीवाने, बहन भाई, हनीमून, सरे फहरिस्त हैं। बैसियत फिल्म साज और हिदायतकार उनकी फिल्में जोकर, शहनाई, हीरो, आखिरी हमला, इंसान और गधा और सियासत हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर अदाकार कमाल मशहूर ड्रामा सीरियल कशकोल में भी नजर आए थे। 1985 के आम इंतखाबात हुए तो सैयद कमाल सियासत के मैदान में भी उतरे मगर कामयाब ना हुए। उन्हीं इंतखाबात के वाकयात को उन्होंने अपनी फिल्म सियासत में पेश किया था। कमाल ने बतौर मुसन्निफ अपनी खुद नोश सवाने भी यादगार छोड़ी। उन्होंने 3 मरतबा निगार अवार्ड भी अपने नाम किया था जबकि उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। उम्मीद है दोस्तों आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कमेंट बॉक्स में अपने राय का जरूर इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।